अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबको ईद मुबारक। तो आज ईद के मौके पे नॉर्थ ईस्ट ने एफ़ सी से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स आ रहा है और कुछ खिलाड़ी को नॉर्थ ईस्ट ने साइन भी कर लिया है। तो नॉर्थ ईस्ट ने एफ़ सी के अपडेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफ़ सी से रिलेटेड अपडेट वगैरह जानने के लिए मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि फारूक चौधरी जो है नॉर्थ ईस्ट एफ़ सी में आ सकता है। मतलब नॉर्थ ईस्ट के जो मैनेजमेंट है वो फारूक चौधरी पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो अभी जो है फारूक चौधरी नॉर्थ ईस्ट एफ़ सी में एकदम कंफर्म हो चुका है। न्यू एफ़ सी वर्ल्ड की तरफ से ये जो है अपडेट आ रहा है। तो अभी जो है नेक्स्ट सीजन फारूक चौधरी नॉर्थ ईस्ट के जर्सी में खेलेंगे। सो गाइस, फारूक चौधरी जो है गाइस एक इंडियन खिलाड़ी है, राइट विंगर के पोजीशन में खेलता है फारूक चौधरी। और इनके एज के बारे में बात की जाए तो ये 36 ईयर्स के एक यंग खिलाड़ी है हमारे फारूक चौधरी। तो फारूक चौधरी जो है गाइस पिछले सीजन जमशेदपुर एफसी के साथ खेला था, और उन्होंने कहा जमशेदपुर के साथ मुंबई सिटी एफसी और केरला ब्लास्टर के जैसे टीमों में भी खेल चुका है हमारा फारूक चौधरी। तो जमशेदपुर एफसी में उन्होंने खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, क्योंकि मतलब उनका सब्सटीट्यूट के रूप में ही मतलब खिलाया गया था जमशेदपुर एफसी में। तो उन्होंने जो है जमशेदपुर एफसी में 16 मैचेस खेला, उसमें से कोई भी असिस्ट और गोल नहीं है। लेकिन बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है फारूक चौधरी। सो फारूक चौधरी का मार्केट वैल्यू जो है 60 लाख है, और इन्होंने मुंबई सिटी एफसी के साथ आईएसएल लीग और आईएसएल शील्ड भी जीता है। तो बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास, फारूक चौधरी के पास। नॉर्थ ईस्ट में पूरा धमाल मचाने वाला है मतलब फारूक चौधरी। तो उसके बाद बात करते हैं आई लीग के खिलाड़ी फलगोनी सिंह के बारे में। तो फलगोनी सिंह ने जो है गाइस आई लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और अभी जो ये नॉर्थ ईस्ट एफ़सी में आ सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मैनेजमेंट जो है इनको साइन करने वाला है। तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट एफ़सी ने इनको साइन कर लिया है। तो फलगोनी सिंह जो है गाइस 28 ईयर्स के एक यंग खिलाड़ी है, और ये जो है डिफेंस साइड मिडफील्डर के पोजीशन में खेलता है, और ये हमारे इंडियन खिलाड़ी है। तो आई लीग में तो इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो आई लीग में इन्होंने टोटल 20 मैचेस खेला, उसमें से एक गोल और 4 असिस्ट है इनके नाम। तो बहुत ही अच्छा खेला है इन्होंने आई लीग में। लेकिन 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 गाइस, इनका जो मार्केट वैल्यू है बहुत ज़्यादा है, 1.2 करोड़ है इनका मार्केट वैल्यू। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि आई लीग के खिलाड़ी है और मतलब उतना खास नहीं है। मतलब इन्होंने आई लीग में तो अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन बजट थोड़ा ज़्यादा है यार। मतलब थोड़ा कम करो यार बजट को। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन फिर भी नॉर्थ ईस्ट ने शायद साइन कर लिया है, और इस बार नॉर्थ ईस्ट को देख के लग रहा है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करेंगे अपने टीम में। तो दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं दिनेश सिंह के बारे में। तो दिनेश सिंह जो है वो भी एक आई लीग के खिलाड़ी है, और इन्होंने भी अपने टीम में बहुत अच्छे परफॉर्मेंस किया है। तो अभी नॉर्थ ईस्ट ने जो इनका डील जो है पूरा पूरी कन्फर्म कर लिया है। तो बहुत सारे यूट्यूबर तो ये बोल रहे हैं कि मतलब पूरा कन्फर्म कर लिया है। और गाइस, दिनेश सिंह जो है 25 ईयर्स के एक यंग खिलाड़ी है, और ये जो है हमारे इंडिया से बिलोंग करता है, मतलब इंडियन खिलाड़ी है। और इनके पोजीशन जो है सेंटर बैक के पोजीशन में खेलता है दिनेश सिंह। तो नॉर्थ ईस्ट ने जो है इनको एकदम कन्फर्मली साइन कर लिया है, और इनका मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, 80 लाख है इनका मार्केट वैल्यू। और इन्होंने जो है गाइस आई लीग में 14 मैचेस खेला है, उसमें से 2 गोल और 1 असिस्ट है। और गाइस, दिनेश सिंह का जो साइनिंग है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इनका मार्केट वैल्यू भी ज़्यादा नहीं है, और ये जो है सेंटर बैक के पोजीशन में खेलता है, और इनका गोल भी है, 2 गोल और 1 असिस्ट भी है 14 मैचेस में, 2 गोल और 1 असिस्ट। तो फलगुनी से तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये खिलाड़ी। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में आ चुका है, तो नेक्स्ट सीजन हमारे नॉर्थ ईस्ट के जर्सी में खेलेंगे ये खिलाड़ी दिनेश सिंह। तो अभी देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी से रिलेटेड अपडेट वगैरह रूमर सब जानने के लिए मिलता ही रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय हिंद, जय भारत।